सब्सक्राइब कीजिए हमारे ओपन माइंड चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल को, जिससे आप देख पाए न्यू वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, आज हम किडनी की संरचना और उसके कार्य के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र को समझते हैं। उत्सर्जन तंत्र हमारे पेट में स्थित अंगों में उस जगह को कहते हैं जहां मूत्र बनता है, संचय करता है और थोड़े थोड़े समय के अंतराल पर उसे विसर्जित करता है। इस अंग समूह में दो किडनी या गुर्दे, दो मूत्रवाहिनी या यूरेटर, एक मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर तथा एक मूत्र नली या यूरेथ्रा होती है। दोनों गुर्दों को अलग अलग मूत्रवाहिनी नली मूत्राशय को जोड़ती है, जबकि मूत्राशय से मूत्र त्याग एक ही मूत्र नली से होता है। शरीर की विभिन्न मेटाबॉलिक क्रियाओं के क्रम में उत्तकों, अंगों, मांसपेशियों आदि में कुछ व्यर्थ एवं हानिकारक पदार्थ जैसे नाइट्रोजन युक्त अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड और आयंस जैसे सोडियम, पोटेशियम, फास्फेट, सल्फेट आदि बनते हैं। और ये किडनी का काम यही होता है कि रक्त के इन सभी विषैले अवयवों को छानकर मूत्र बनाता है, जो मूत्रवाहिनी के द्वारा मूत्राशय में जमा किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि हमारे शरीर में किडनी की संरचना रक्त की सफाई करने के उद्देश्य से हुई है। आइए अब किडनी की संरचना के बारे में जानते हैं। ये लगभग 10 सेंटीमीटर लंबे 150 ग्राम वजन के काजू के जैसे दिखने वाले पेट के रीढ़ की हड्डियों के अगल बगल स्थित होते हैं और हर किडनी लगभग 10 लाख से ज्यादा सूक्ष्म तंतुनुमा नेफ्रॉन का बना होता है। नेफ्रॉन को वृक्काणु भी कहते हैं, जो अपने आप में अलग अलग एक पूर्ण छनन इकाई होती है। ये नेफ्रॉन मूत्र बनाने की प्रक्रिया में पहले रक्त को छानते हैं, उस छने द्रव्य से कुछ उपयोगी तत्वों को सोखते हैं, फिर कुछ अनुपयोगी पदार्थ की मात्रा तरल रूप में पुनः विसर्जित करते हैं। यह तरल पदार्थ महीन नलियों से बहता हुआ बड़ी नलियों में पहुंचता है। यह मूत्र वृक्काकार गुर्दे की गुफा समान थैली पेल्विस में आ जाती है। गुर्दे की आंतरिक संरचना में बाहरी भाग कॉर्टेक्स में छनन इकाई ग्लोमेरुलस होती है तथा उसके भीतर मेडुला में सूक्ष्म नलिकाएं होती है। मुख्यतः यह नेफ्रॉन दो भागों में विभाजित होती है, एक तो ग्लोमेरुलस और दूसरा रीनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस अति सूक्ष्म रक्त नलिकाओं का जाल होती है, जिसके एक सिरे पर रक्त नलिका से अशुद्ध रक्त प्रवेश करता है तथा दूसरे सिरे से रक्त नलिका से छना हुआ रक्त बाहर निकल जाता है। रीनल ट्यूब्यूल यह रक्त के छनन से बनी मूत्र को ग्रहण करने वाली नलिका है, जिसका एक सिरा कप के आकार वाली बोमंस कैप्सूल में फैलकर ग्लोमेरुलस को घेर लेता है और इसकी परतें छानने का काम करती है। कई ट्यूब्यूल्स के दूसरे सिरे आपस में जुड़कर एक संग्राही नली या कलेक्टिंग डक्ट बनाते हैं, जो गुर्दे की मूत्रग्राही थैली या रीनल पेल्विस में खुलती है। ग्लोमेरुलस एवं बोमन कैप्सूल को संयुक्त रूप से मेल्पिजियन बॉडी कहते हैं। अब ये मूत्र बनकर किडनी के गुफा समान पेल्विस में आता है, तत्पश्चात मूत्रवाहिनी के द्वारा मूत्राशय तक पहुंच जाता है। तो मुख्य रूप से किडनी के क्या कार्य हैं? किडनी शरीर में जल की मात्रा नियंत्रित रखता है। दूसरा, किडनी खून की सफाई करता है। तीसरा, शरीर में अम्ल और क्षार की मात्रा संतुलित रखता है। किडनी रक्तचाप पर नियंत्रण रखता है और किडनी विटामिन डी का निर्माण भी करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। न्यू अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दिए गए लिंक्स को क्लिक कीजिए और हमारे वीडियोस को एंजॉय करते रहिए।